ब्रजमंडल में रहकर रास रची जाए। जो साधु संत केवल रास का रस स्वादन करने के लिए ब्रजमंडल में गोपी बनकर आए हैं, जिस भाव से उस भाव से उनको प्राप्त हो जाए। रास का जो चरित्र है साधारण मानव की समझ नहीं आता। एक दृष्टि से समझाएं, महारास जब भगवान ने की तो उस समय कृष्ण की उम्र थी 7 वर्ष। कितनी वर्ष? 7 वर्ष। और महारास में जब गोपियां, जो गोपियां रास में सम्मिलित हुई थी वो कोई साधारण नहीं थी। श्रुत रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, यज्ञ सीता, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासनी, दंडिकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां इत्यादि, और गर्भ संहिता में विस्तार से इनका वर्णन आता है। दंडिकारण्य में जब राम जी भ्रमण कर रहे थे तो दंडिकारण्य में जितने भी संत थे समाधि में बैठे थे। राम जी वहां से निकले तो संतों ने उनका दर्शन किया, संतों ने उनका दर्शन किया, तो राम जी के दर्शन करके संतों का मन खिंच गया। ऐसे सुंदर श्री राम जी, क्यों ना इनका तो संग किया जाए, इनके साथ तो रहा जाए। मन खिंचने लगा संतों का, तो राम जी ने कहा इस समय हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, जाओ जाकर ब्रज में गोपी बन जाओ। राम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो वही दंडकारण्य के संत ब्रजमंडल में गोपी बनकर जन्मे। मिथिलापुर की नारियां, राम जी जब गए तो राम जी को देखकर मोहित हो गई। राम जी ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन इस तुम्हारी मनोकामना को द्वापर युग में पूर्ण करेगा। ऐसे विस्तार से वर्णन गर्ग संहिता आप पढ़ना, उसमें दिया है।